नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने न्यायपालिका की एक बार फिर आलोचना करते हुए कहा कि जुडिशियल प्लेटफॉर्म से पब्लिक पोस्चरिंग अच्छी नहीं। बता दें, इससे पहले सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम को लेकर उनके बयान पर आपत्ति जता चुका है, लेकिन उसको अनदेखा करते हुए उपराष्ट्रपति ने फिर से सुप्रीम कोर्ट को निशाने पर लिया। जयपुर में 83वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन में बोलते हुए उपराष्ट्रपति धनखड़ ने हाल ही में कॉलेजियम पर टिप्पणियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट की नाराजगी के संबंध में कहा कि उन्हें आश्चर्य हुआ जब सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों ने अटॉर्नी जनरल को अपनी नाराजगी संवैधानिक अधिकारियों को बताने के लिए कहा। बता दें, 8 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने कॉलेजियम प्रणाली के बारे में कुछ टिप्पणियों पर आपत्ति जताते हुए अटॉर्नी जनरल से सरकारी अधिकारियों को नियंत्रण रखने की सलाह देने के लिए कहा था। बता दें, उससे पहले जगदीप धनखड़ ने भी कॉलेजियम पर टिप्पणी की थी। इसी पर धनखड़ ने कहा कि दोस्तों, मैंने इस बिंदु पर अटॉर्नी जनरल को वचन देने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि वो विधायिका को प्रभावहीन करने के पक्षकार नहीं हो सकते हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने न्यायपालिका की तुलना में विधायिका की शक्तियों का मुद्दा उठाया। उन्होंने संसद के कामों में सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि संसद कानून बनाता है और सुप्रीम कोर्ट उसे रद्द कर देता है। उन्होंने पूछा कि क्या संसद द्वारा बनाया गया कानून तभी कानून होगा जब उस पर कोर्ट की मोहर लगेगी। उपराष्ट्रपति धनखड़ ने 1973 में केशवानंद भारती मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए कहा, क्या हम एक लोकतांत्रिक राष्ट्र हैं? इस सवाल का जवाब देना मुश्किल होगा। केशवानंद भारती मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि संसद के पास संविधान में संशोधन करने का अधिकार है, लेकिन इसकी मूल संरचना में नहीं है। धनखड़ ने कहा कि 1973 में एक बहुत गलत परंपरा शुरू हुई। उन्होंने कहा कि केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने मूल संरचना का सिद्धांत दिया कि संसद संविधान संशोधन कर सकती है, लेकिन इसके मूल संरचना को नहीं। कोर्ट को सम्मान के साथ कहना चाहता हूँ कि इससे मैं सहमत नहीं। इसके साथ ही उन्होंने NJAC को पलटने वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले की एक बार फिर आलोचना करते हुए कहा कि स्टेट के सभी अंगों को अपने संबंधित दायरे तक ही सीमित रहना चाहिए। विधायिका अदालत के फैसले पर चर्चा नहीं कर सकती, इसी तरह अदालत कानून नहीं बना सकती। ये बहुत स्पष्ट है, किसी को दूसरों के क्षेत्र में घुसपैठ नहीं करनी चाहिए। कर्नाटक हाईकोर्ट ने बुधवार को ईशा योग सेंटर के द्वारा चिक्काबल्लापुरा में नंदी हिल्स के पास किए जा रहे निर्माण कार्य पर यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया। चीफ जस्टिस प्रसन्ना बी वराले और जस्टिस शोक एस किनागी की खंडपीठ ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए ये निर्देश दिया। याचिका चिक्काबल्लापुरा तालुक के स्थायी निवासी की ओर से दायर की गई। याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि अधिकारियों ने ईशा योग केंद्र को नंदी हिल्स के फुटहिल और नरसिम्हा देवारू रेंज में पूरे इकोसिस्टम, एनवायरनमेंट और नेचुरल रेन वाटर स्ट्रीम्स, वाटर बॉडीज को नष्ट करने और विकृत करने की अनुमति दी है, जो कि पर्यावरण कानूनों का उल्लंघन है और इसके क्षेत्र में रहने, आजीविका, मवेशी, भेड़ और अन्य जीवों पर सीधा इसका प्रभाव पड़ता है। इसके साथ ही अदालत ने याचिकाकर्ताओं को एक सप्ताह के भीतर अपनी याचिका में संशोधन करने की अनुमति दी, ताकि वो ईशा योग केंद्र के लिए सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचना को चुनौती दे सकें और अतिरिक्त मुद्दे उठा सकें। भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने 10 जनवरी यानी मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष विकास सिंह से कहा, अदालत मेरी है और कोई और ये तय नहीं करेगा कि अदालत कैसे चलेगी। दरअसल बार एसोसिएशन के अध्यक्ष विकास सिंह बेंच से वकीलों के लिए चैम्बर आवंटित करने के मामले पर जल्द सुनवाई की मांग कर रहे थे। साथ में ये भी कहा कि पिछले कई मौकों पर इस मामले की सुनवाई नहीं हो सकी। इस पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि इस सप्ताह मामला लिस्ट करना मुश्किल है। इस पर विकास सिंह ने तर्क दिया कि मामला 9 जनवरी यानी सोमवार के लिए भी लिस्ट था। कोर्ट की प्राथमिकता ऐसे मामलों की सुनवाई करने की होनी चाहिए जो ऑलरेडी लिस्टिंग में हो। विकास सिंह की इस बात पर CJI चंद्रचूड़ नाराज हो गए और उन्होंने कहा कि सोमवार को कोर्ट के पास कई मामले लंबित थे, तभी सुनवाई नहीं हुई। एडवोकेट विकास सिंह ने फिर तर्क दिया कि केस को जल्दी सुना जाना चाहिए, क्योंकि वकील अपने चैम्बर के लिए लंबे वक्त से इंतजार कर रहे हैं। इस पर CJI ने तीखी टिप्पणी करते हुए कहा, मुझे प्रैक्टिस के बारे में ना समझाएं, मेरी कोर्ट में मैं जो भी निर्धारित करूंगा वही प्रैक्टिस है, और कोई निर्देश देने या डिक्टेट करने की कोशिश ना करे, ना ही इस बारे में बताने की जरूरत है। बिहार में हो रहे जातिगत सर्वे का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। इस सर्वे को चुनौती वाली याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई होगी। याचिका में बिहार में हो रहे जातिगत सर्वेक्षण का विरोध करते हुए तर्क दिया गया है कि जनगणना केवल केंद्र सरकार ही करा सकती है, क्योंकि यह केवल केंद्र के अधिकार क्षेत्र में आता है, इसलिए इस संविधान के बुनियादी ढांचे के खिलाफ है।
याचिका में बिहार सरकार की अधिसूचना भेदभावपूर्ण और असंवैधानिक बताई गई है और इसको रद्द करने की मांग की गई है। बता दें, बिहार में जातिगत सर्वेक्षण शुरू हो चुका है। इसको जातिगत जनगणना नहीं कहा गया है, लेकिन इसमें जाति संबंधी जानकारी जुटाई जाएगी। ये काम इस साल 31 मई को पूरा होना है। प्रदेश में हो रहे जातिगत सर्वेक्षण को लेकर RJD और JDU काफी समय से प्रयास में लगे थे। इसको लेकर नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने साथ में जाकर प्रधानमंत्री से मुलाकात की थी। ये मुलाकात तब हुई थी जब नीतीश BJP के साथ सरकार चला रहे थे। वहीं जिस दिन इस जातिगत सर्वे की शुरुआत हुई, उसी दिन तेजस्वी यादव ने BJP पर हमला बोला और कहा कि BJP नहीं चाहती कि यह सर्वे हो। भारतीय घरों में समान लिंग में शादी, होमोसेक्सुअलिटी पर बात करने को लेकर आज भी एक लक्ष्मण रेखा खींची हुई है, जिस पर लोग बात नहीं करना चाहते। लेकिन ऐसे ही पशुपेश के बीच RSS के सरसंघ चालक मोहन भागवत ने LGBT समुदाय से हमदर्दी जताते हुए कहा कि इन्हें भी समाज का हिस्सा माना जाना चाहिए, इन्हें भी स्पेस मिलना चाहिए। RSS का LGBT पर इससे स्पष्ट स्टैंड कभी सामने नहीं आया। भागवत का बयान ऐसे समय आया है जब भारत सरकार समान लिंग के विवाह को अनुमति देने को तैयार नहीं है और सुप्रीम कोर्ट ने 20 दिनों में भारत सरकार से इस पर जवाब मांगा है। LGBT समुदाय के मुद्दे पर मोहन भागवत ने कहा कि उनको भी समाज का हिस्सा माना जाए, उन्हें भी उचित स्पेस दिया जाए, उन्हें वही सम्मान मिलना चाहिए जो बाकी समुदायों को मिलता रहा है। भागवत ने कहा कि विभिन्न यौन प्राथमिकताएं बायोलॉजिकल थी, ये मुद्दा भारत के लिए नया नहीं था। LGBTQ भी बायोलॉजिकल है, ये जीवन जीने का एक तरीका है। उन्होंने महाभारत के किरदारों का उदाहरण देकर समलैंगिकता पर अपनी बात रखी। RSS प्रमुख मोहन भागवत ने बताया कि कैसे हिंदू समाज में हमेशा समलैंगिक लोगों के लिए जगह थी। उन्होंने महाभारत के उदाहरण से बताया कि जरासंध के दो सेनापति थे, हंस और दिम्बक। जब भगवान कृष्ण ने ये अफवाह फैलाई कि दिम्बक की मृत्यु हो गई है, तो हंस ने आत्महत्या कर ली। दोनों सेनापति इतने करीब थे, ऐसा नहीं है ये लोग हमारे देश में कभी मौजूद नहीं थे। ऐसी प्रवृत्ति के लोग जब से मनुष्य सभ्यता अस्तित्व में है, तब से हमेशा रहे हैं। RSS प्रमुख मोहन भागवत ने भारतीय मुसलमानों को लेकर कहा है कि इस्लाम को भारत में कोई खतरा नहीं है, लेकिन उसे वर्चस्व का अपना भाव छोड़ देना चाहिए। RSS से जुड़ी मैगजीन पांचजन्य और ऑर्गेनाइजर को दिए इंटरव्यू में सरसंघ चालक भागवत ने कहा कि सरल सत्य ये है कि हिंदुस्तान को हिंदुस्तान ही रहना चाहिए। आज भारत में रहने वाले मुसलमानों को कोई नुकसान नहीं है। यदि वो अपने विश्वास पर टिके रहना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। यदि वो अपने पूर्वजों की आस्था में लौटना चाहते हैं तो वो ऐसा कर सकते हैं, ये पूरी तरह उनकी पसंद है। मोहन भागवत ने कहा कि भारत में इस्लाम को कोई खतरा नहीं। हाँ, हम बड़े हैं, हम एक समय राजा थे, हम फिर से राजा बने, ये छोड़ना होगा। हम सही हैं, बाकी गलत हैं, ये सब छोड़ना पड़ेगा। हम अलग हैं इसलिए अलग ही रहेंगे, हम सबके साथ मिलकर नहीं रह सकते, ये छोड़ना पड़ेगा। किसी को भी छोड़ना पड़ेगा, ऐसा सोचने वाला कोई हिंदू है उसको भी छोड़ना पड़ेगा, कम्युनिस्ट है उसको भी छोड़ना पड़ेगा। RSS प्रमुख मोहन भागवत ने यह दावा भी किया कि हिंदू समाज एक और युद्ध के बीच में है। उन्होंने कहा, ये युद्ध किसी बाहरी दुश्मन के खिलाफ नहीं बल्कि भीतर के दुश्मन के खिलाफ है, इसलिए हिंदू समाज, हिंदू धर्म और हिंदू संस्कृति की रक्षा के लिए युद्ध हो रहा है। उन्होंने कहा कि अब विदेशी आक्रांता तो नहीं है, लेकिन विदेशी प्रभाव और विदेशी साजिशें जारी हैं। संघ प्रमुख ने कहा कि चूंकि ये युद्ध है इसलिए लोग अति उत्साही हो सकते हैं, हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी भड़काऊ बयानबाजी होगी। RSS प्रमुख मोहन भागवत के बयान के बाद AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने पलटवार किया है। ओवैसी ने एक के बाद एक कई ट्वीट कर कहा कि मुसलमानों को भारत में रहने या हमारे धर्म का पालन करने की अनुमति देने वाले मोहन भागवत कौन होते हैं। हम भारतीय हैं क्योंकि अल्लाह ने चाहा, उन्होंने हमारी नागरिकता पर शर्तें लगाने की हिम्मत कैसे की। हम यहाँ अपने विश्वास को समायोजित करने या नागपुर में कथित ब्रह्मचारियों के समूह को खुश करने के लिए नहीं है। AIMIM प्रमुख ने कहा कि मोहन कहते हैं कि भारत को कोई बाहरी खतरा नहीं है, संघी दशकों से आंतरिक शत्रुओं और युद्ध की स्थिति का रोना रो रहे हैं और लोक कल्याण मार्ग में उनके अपने स्वयंसेवक कहते हैं कि ना कोई घुसा है। चीन के लिए चोरी और साथी नागरिकों के लिए सीना जोरी क्यों? यदि हम वास्तव में युद्ध में हैं तो क्या स्वयंसेवक सरकार 8 से अधिक वर्षों से सो रही है? RSS की विचारधारा भारत के भविष्य के लिए खतरा है। भारतीय असली आंतरिक शत्रुओं को जितनी जल्दी पहचान लें उतना ही अच्छा होगा। ओवैसी ने ट्वीट में प्रधानमंत्री मोदी का भी जिक्र करते हुए कहा कि PM दूसरे देशों के सभी मुस्लिम नेताओं को गले क्यों लगाते हैं, लेकिन अपने देश में एक भी मुस्लिम को गले लगाते नहीं दिखते। ये अभद्र भाषा नहीं है तो और क्या है? पंजाब में PCS अफसरों द्वारा की जा रही हड़ताल खत्म हो गई है और सभी अफसर जल्द ही काम पर लौट जाएंगे।
राज्य सरकार ने दोहराया है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ उसकी मुहिम जारी रहेगी। इससे पहले पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने हड़ताल को लेकर बेहद सख्त रुख अपनाया था। मान ने बुधवार को ट्वीट कर कहा था कि भ्रष्टाचार के मामले में किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा, चाहे वो कोई मंत्री हो, कोई संतरी हो या उनका कोई सगा संबंधी हो। भगवंत मान ने ट्वीट कर कहा था कि जनता के एक एक पैसे का हिसाब लिया जाएगा। मुख्यमंत्री मान ने पीसीएस अफसरों द्वारा की जा रही हड़ताल को पूरी तरह अवैध बताया था और स्पष्ट रूप से कहा था कि जो लोग बुधवार को दिन में 2 बजे तक अपने काम पर वापस नहीं लौटेंगे उन्हें निलंबित कर दिया जाएगा। बता दें कि आईएएस अफसर नीलिमा के खिलाफ विजिलेंस ब्यूरो ने भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया है, जबकि पीसीएस अफसर नरेंद्र सिंह धालीवाल को गिरफ्तार किया गया है। इसे लेकर राज्य सरकार और आईएएस पीसीएस अफसरों के बीच टकराव के हालात बन गए थे। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पंजाब पहुंच चुकी है। इस दौरान पंजाब के सरहिंद में राहुल गांधी ने जनता को संबोधित किया और बीजेपी और आरएसएस पर हमला बोला। राहुल ने बीजेपी आरएसएस पर देश का माहौल बिगाड़ने का आरोप लगाया। फतेहगढ़ साहिब में माथा टेकने के बाद राहुल गांधी ने कहा, देश में नफरत का माहौल फैल गया है। बीजेपी और आरएसएस के लोग एक धर्म को दूसरे धर्म के खिलाफ, एक जाति को दूसरी जाति के और एक भाषा को दूसरी भाषा के खिलाफ देश को बांट रहे हैं। उन्होंने देश का माहौल बिगाड़ दिया है। राहुल गांधी ने कहा कि हमने सोचा देश को मोहब्बत, एकता और भाईचारे का रास्ता दिखाना चाहिए, इसलिए हमने ये यात्रा शुरू की। राहुल ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा को भरपूर सफलता मिल रही है, ये देश भाईचारे का है और एक सम्मान का है, इसलिए ये यात्रा सफल है। निर्देशक एसएस राजामौली की फिल्म आरआरआर के गाने नाटू नाटू को बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग के लिए गोल्डन ग्लोब्स का अवार्ड मिला है। ये पहली भारतीय फिल्म है जिसने गोल्डन ग्लोब्स का अवार्ड जीता है। इस गाने में संगीत एमएम कीरावनी ने दिया था, जबकि गायक काल भैरव और राहुल सिप्लुकुंज थे। 4 अन्य गाने भी इस अवार्ड को हासिल करने की दौड़ में थे। गोल्डन ग्लोब्स 2023 का आयोजन कैलिफोर्निया में किया जा रहा है। गोल्डन ग्लोब जीत चुका यह गाना प्रतिष्ठित एकेडमी अवार्ड के लिए भी ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी में मुकाबले में है। शॉर्टलिस्ट गानों की सूची हाल ही में जारी की गई है। आरआरआर फिल्म के नाटू नाटू गाने को गोल्डन ग्लोब अवार्ड मिलने के बाद बधाइयों का सिलसिला जारी है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी इसको हर भारतीय के लिए गर्व का क्षण बताया है। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट करते हुए कहा, एक बेहद खास उपलब्धि। एमएम कीरवणी, प्रेम रक्षित, काल भैरव, चंद्र बोस, राहुल सिप्लीगंज, एसएस राजामौली, रामचरण और फिल्म की पूरी टीम को बधाई। इस प्रतिष्ठित सम्मान ने हर भारतीय को गर्व महसूस कराया है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने भी बधाई देते हुए इसको गर्व का पल बताया। मुख्यमंत्री रेड्डी ने ट्वीट कर कहा, तेलुगु का झंडा बुलंद है। आंध्र प्रदेश की तरफ से एएम कीरावनी, एसएस राजामौली, जूनियर एनटीआर, रामचरण और आरआरआर की पूरी टीम को बधाई। हमें आप पर गर्व है। बिहार की सियासत में इस बात की जोरदार चर्चा है कि जेडीयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कैबिनेट में आना चाहते हैं और उनकी नजर उपमुख्यमंत्री की कुर्सी पर है। कहा जा रहा है कि 14 जनवरी को खरमास खत्म होने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी कैबिनेट का विस्तार कर सकते हैं। उपेंद्र कुशवाहा के डिप्टी सीएम बनने की चर्चा उनके एक बयान से तेज हुई है। कुशवाहा ने मीडिया से बातचीत में कहा कि वो राजनीति में लोगों की सेवा करने के लिए आए हैं और ये स्वाभाविक है कि कोई इसलिए कुर्सी चाहता है क्योंकि वो लोगों की सेवा कर सके। इसके अलावा एक न्यूज़ चैनल के साथ बातचीत में जब उनसे पूछा गया कि क्या वो राज्य की जेडीयू आरजेडी सरकार में मंत्री बनने की दौड़ में है, तो उन्होंने इसके जवाब में कहा कि वो किसी मंदिर के सन्यासी नहीं है। उन्होंने कहा कि इस बारे में अंतिम फैसला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही लेंगे। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।